आई विल पास, हम करेंगे मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फॉर्मूले, ठीक है। पहले देखते हैं आपको एन, इसमें आपको एन, एन मीन्स टोटल नंबर, टोटल नंबर, ठीक है। फिर आता आपको पी, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, पी मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है। एंड क्यू मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। एंड पी प्लस क्यू इक्वल टू ऑलवेज वन, ठीक है। और इसमें जो टर्म्स, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, एन मतलब टोटल नंबर है। पी प्लस क्यू इक्वल टू ऑलवेज वन। और फिर इसमें आपका और ये फॉर्म है आपका एक्स फॉलोज बर्नौलीज़ ट्रायल एन कोमा पी, ठीक है। नाउ पी एम एफ ऑफ एक्स इज फॉलोज एज पी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स। ये आपको फॉर्मूला, ठीक है, ये बोलते हैं बहुत मेन फॉर्मूला है। और फिर फॉर्मूला एन सी आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। और क्या फॉर्मूला आपका, और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म आपका एन सी एन इक्वल टू ऑलवेज वन, एन सी वन इक्वल टू वन। आपको सर एक्चुअली आपको एन सी जीरो वन है, एन सी एन माइनस वन इक्वल टू एन है, और एन सी वन इक्वल टू एन है। देखिए इसमें आपको सिंपल फॉर्म है एन सी एन इक्वल टू वन, एन सी जीरो इक्वल टू वन, एन सी एन माइनस वन इक्वल टू एन, एन सी वन इक्वल टू एन है। देखिए अगर यहाँ पर तो आपको इतने कुछ फॉर्मे थे, ठीक है। आपको आपको जो अच्छे से बाइट करना, सबसे मेन फॉर्मे ये, आपका ये फॉर्मे ऑलमोस्ट हर समय यूज होगा, ठीक है। फॉर्मा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये दो फॉर्मूले पी प्लस की इक्वल टू वन और पी ऑफ एक्स इक्वल टू स्मॉल एक्स इक्वल टू एन सी एक्स, सी मतलब कॉम्बिनेशन, जो अपने इलेवन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा रहे, ठीक है, उसमें अपने इलेवन में पढ़ा रहेगा। तो देखिए अभी 9.1 का फर्स्ट सम करेंगे, क्या गिवन है, अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 8 टाइम्स। अब देखिए आप एग्जाम में ऑलवेज एन गिवन है, एन का मतलब क्या है, टोटल नंबर, तो आपको टोटल नंबर 8 दिख रहा। आप याद है ऑलवेज क्वेश्चन में आपको एन और पी गिवन है, आपको दूसरी एग्जाम में दो चीज, पहला एन और दूसरा पी, और समटाइम्स आपको ओनली एन और पी नहीं गिवन है, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको पी गिवन नहीं है, तो आपको ऑलवेज एन गिवन रहेगा, ठीक है। तो लिखो पहला, तो आपको एन कितना मिला, 9.1 का फर्स्ट सम, एन कितना मिला आपको, एन इक्वल टू 8 जो कि टोटल नंबर है, ठीक है। फिर क्या गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इज इट शोज हेड्स, आपको आपको पी गिवन नहीं है, पी मतलब सक्सेस है, तो आपको पी क्या मिलेगा, पी इक्वल टू हाफ। क्यों, अभी आपने एक कॉइन टॉस किया तो आपको हेड या फिर टेल मिलेगा, तो इसके लिए हाफ चांस है, इसके लिए हाफ चांस है, दोनों चांस हाफ है ना, तो पी आपको मिला हाफ, तो क्यों भी हाफ मिलेगा। फिर आपको फॉर्मूला क्या है, पी प्लस क्यू इक्वल कितना होता है, वन है, तो आपको पी मालूम है, क्यू निकालना है, तो क्यू इक्वल टू वन माइनस पी करो, तो क्यू इक्वल टू वन माइनस पी कितना है, वन बाय टू, तो टू माइनस वन अपॉन टू हाफ मिला, तो क्यू कितना मिला आपको, वन बाय टू। सिंपल आपको फॉर्मूला क्या है, एग्जाम में ऑलवेज आपको एन गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और आपको पी समटाइम्स पी कभी कभी नहीं गिवन है, कभी आपको पी भी गिवन रहेगा बट मोस्टली नहीं गिवन रहेगा, ठीक है। तो आपको इससे फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, कॉइन टॉस की हेड आने का चांस हाफ है और टेल आने का भी चांस हाफ है, इसलिए मैं डायरेक्टली पी लिखा, ठीक है। अब आगे करते, इसके बाद अपना स्टेप क्या था, देखिए
अपने एन गिवन था, ये आपको फॉर्मूला आपको सिर्फ ऐसे ही फॉलो करना है, एन निकालिए। अभी आपको पी प्लस क्यू से वन, आप पी क्यू निकाले, अब ये करना है एक्स फॉलोअर्स एन कॉमा पी, ठीक है। तो लिखिएगा अभी, तो एक्स फॉलोअर्स बी एन कॉमा पी, तो एक्स फॉलोअर्स बी, बी मिले बारे में डिस्ट्रीब्यूशन, एन कितना मिला आपको, एट मिला, पी कितना मिला, हाफ मिला। तो इसके बाद इसके क्या करें हम लोग, फिर लिखते पी एम एफ एक्स इज एज फॉलोअर्स, देखिए पी एम एफ ऑफ एक्स इज एज फॉलोअर्स, क्या मिलेगा, पी ऑफ स्मॉल एक्स इक्वल एक्स एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है, सिंपल है। आई होप तक आपको समझ आऊंगा। सिंपल हमने एन को एट लिया, जो आपको क्वेश्चन आपको पता है एन कौन एट कौन टॉस हुआ, अब कौन इज टॉस एट टाइम्स इसके लिए, ठीक है। अब सोचेंगे आप इसको नॉर्मल में क्यों, आपको प्रॉब्लम में क्या किया, अगर तीन कौन टॉस हुआ तो आपने उसका सैंपल टी टी करके अपने इजी बनाया, आपको एन एफ एस एट मिलता था, और अभी आपको यहाँ पर एट कौन टॉस है, तो आपको सैंपल देना पॉसिबल नहीं है, वो इतना ईजी बना पूरा टफ बनाने के लिए उसका टाइम बच जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करें उसके लिए। ये आपको चैप्टर न्यू इंट्रोड्यूस किया उन्होंने। अब देखिए आपका सिंपल ही हो पी ऑफ इस, अब देखिए आपको ये एन है स्मॉल एक्स, अब देखिए आपने पी ऑफ एक्स देखा, बट एक्स इतना है क्या, हम लोग क्या फाइंड करने हैं, अ कॉनिक ट्रॉस एट टाइम्स फाइंड द प्रोड्यू ऑफ इट्स हेड्स, मैं आपको हेड्स के लिए फाइंड करना है, तो यहाँ पर लिखो आप जरा एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, क्यों, बिकॉज आपको जो फाइंड करना है, आपको जो फाइंड है उसको उसका आप एक्स एज्यूम करिए, ठीक है, तो आप एक्स फाइंड करना उसको एक्स एज्यूम किए, ठीक है, क्या दिए एग्जैक्टली फाइव टाइम्स, मैंने आपको क्या है फर्स्ट एग्जैक्टली फाइव टाइम्स, तो इसका मतलब क्या है P of x इक्वल टू फाइव ए, तो आपको फॉर्म में क्या लिखा, फॉर्म में क्या P of x का एन सी एक्स पी ऑफ एक्स पी रेज़ टू एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है। तो देखो पहले n क्या आपका एट है, c ए एक्स कितना है अभी लिखे फाइव ए, फिर p कितना है हाफ है, और फिर n कितना x कितना है फाइव ए, ये आपका एक्चुअली x है, q कितना है हाफ है, तो एट माइनस फाइव एन एन कितना एट एक्स के फाइव, तो क्या मिलेगा एट सी फाइव हाफ रेस टू फाइव हाफ रेस टू थ्री, क्यों एट माइनस थ्री एट माइनस फाइव थ्री मिलेगा। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है, तो अपने फॉर्म में क्या है एन सी आर के फॉर्म में क्या है एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ठीक है, तो मतलब आपका ये एट सी फाइव है, तो मतलब एन कितना आपका एट है, आर कितने फाइव, तो पुट कर ये फॉर्मूले में एन मतलब एट, तो लिखो पहले एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर, आर कितने फाइव है, तो आर फैक्टोरियल ब्रैकेट में फिर एट माइनस फाइव फैक्टोरियल इंटू में दिया बेस एक फॉर्मूला है ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन, ए रेस टू एम प्लस एन होता है बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करते हैं बेस सेम है तो हाफ रेस टू एट मिलेगा फाइव प्लस थ्री एट मिला, ये डायली कर लो आप फाइव प्लस थ्री करो, ठीक है बेस सेम तो पावर्स कैड किए। अब देखिए यहाँ क्या मिलेगा एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय फाइव फैक्टोरियल एट माइनस फाइव थ्री फैक्टोरियल, ठीक है। अब फैक्टोरियल का मतलब कहते हैं समझिए आपको टू फैक्टोरियल ये सेवन फैक्टोरियल है तो इसको सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर में पीछे तक जाते हैं, यहाँ पर क्या करें आपको तो हाफ रेस टू आपको एट मिलेगा। अब देखिए तो फाइव फैक्टोरियल एट को एट इंटू सेवन इंटू सिक्स इंटू फाइव फैक्टोरियल डिवाइड बाय फाइव फैक्टोरियल इंटू में थ्री को थ्री इंटू टू इंटू वन कर दो, मैंने फाइव के रुका क्यों बिकॉज आपको यहाँ फाइव है यहाँ पर फाइव है दोनों कैंसिल कर दो, ठीक है। अब इंटू में हाफ रेस टू रेस टू एट मिलेगा, ठीक है। अब टू रेस टू एट का मतलब क्या है, ये टू रेस टू एट का मतलब आपको टू को एट बार टू इंटू
2 into 2 into 2, 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 8। तो आपको ये फॉर्मूला, यहाँ ये फॉर्मूला, ये फोर और ये फॉर्मूला, ठीक है। तो 4 4 16, तो फिर आपको ये कितना मिलेगा, 16, इतना मिला आपको। तो इसका देखो इतना आपको, हमने इसका दो पैर बनाया फॉर्मूला, इसका पैर 4, इसका पैर 4, इसका पैर फॉर्मूला, ये 4 4 16 आया। तो ये 4 4 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ पुट करेंगे, तो क्या मिला आपको, 8 × 7 × 6 डिवाइड बाय 3 × 2 इंटू में क्या है, 1/16 × 16 है। अब देखिए 8 × 8 8 × 16, ठीक है। अब 3 × 3 2 × 16, ठीक है। फिर ठीक है 8 × 2 × 2 कैंसिल हुआ, तो क्या बचा आपको, ओनली 7 बचा, ये कैंसिल हुआ पूरा। तो लिखो 7 डिवाइड बाय, ये 2 बच गया, 2 × 2 = 16। देखिए अगर मैं सब मल्टीप्लाई करता आपको 256 मिलता, तो आपको कैंसिल करने प्रॉब्लम होती, तो आप मल्टीप्लाई मत करो, राइट कैंसिल करो। लेकिन इसको आपको क्या बचा, 8 7 6 बचा था, डिवाइड 3 × 2 था, 16 × 16, तो 8 × 8 8 × 16, ठीक है। फिर 3 × 3 3 × 6, ये 2 2 कैंसिल हुआ, ये 2 बच गया, ये 7 बचा, ये 16 बच गया। तो क्या मिला आपको, 7/32 मिले, ठीक है। आपको ये क्या है, 8/2 रेज़ टू 8 है, ठीक है। अब आ लीजिए इसको हमको डिवाइड करना है, अब लिखो 7/32 है, तो 32 बाहर आएगा, ये 7 अंदर आएगा, ठीक है। जब पॉइंट डाले तो आपको इधर पॉइंट, आपको इधर 70 हो गया, ये 30 का डबल करेंगे 60, और ये 70 है, तब 2 टाइम ले लो, 32 से कितना मिला, 32 से आपको मिलेगा 64, 64 आपको ओनली 6 बचेगा, 10 हो गया, 4 ही आपको 0। अब पॉइंट है तो यहाँ 0 आ गया, ठीक है। तो बस 60 है, 60 का डबल, 62 का डबल आपको 2 से 64 मिलेगा, बट 60 चाहिए तो 1 चालो, तब को मिले 32, 8 बचा 5, मतलब 2 मिले आपको, ठीक है, 28 मिला। अब देखिए यहाँ पर बस इससे कम है, तो पॉइंट है 0 आ गया, तब क्या करेंगे, समझो 32 मैं 6 जा लेता हूँ, 12 मिलेगा, कैरी 1, 3 18+1 19 मिला, उससे कम आ रहा, 32 8 जा लेके देखो, 8 जा में 16 कैरी 1, 21 और 25 टू फ्री सिंह मिला आपको, तो लेंगे 8 जा में 256। अब माइनस मत, क्यों, आपको सिंपल पॉइंट बनना चाहिए, पॉइंट वो सिर्फ कितना चाहिए, 2 नंबर, पॉइंट वो सिर्फ 2 नंबर चाहिए, तो लिखो 0.218। आपको कोई ये नहीं रिच चेक करना, आपको आपको मैं नहीं समझ, जब नहीं करें तो भी चलता, आप पेट मिनी पढ़ के अलाजर नंबर ऑफ टाइम्स देन टेल देन टेल्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अलाजर नंबर, आपको हेड चाहिए, ये आपका हेड है और ये टेल है, दो कॉइन है, कॉइन है के दो दो फेसेस है, आपको हेड टेल आएगा, तो क्या लिखे, अलार्जर नंबर ऑफ टाइम्स एंड टेल, जो आपका हेड है, हम लोग हेड फाइंड कर रहे हैं, बिकॉज एक्स का डिनोट कर रहा नंबर ऑफ हेड्स, तो हम लोग हेड निकाल रहे हैं। अगर आपको 4 हेड लिए तो आपका 8 कॉइन है, तो एक 4 बनेगा, डिवाइड होगा, तो 4 हेड, तो 4 टेल आएगा, देन इक्वल हो गया। बट क्या आपको अलार्जर में, जब आपको टेल से हेड है टेल से ज्यादा चाहिए, तो इधर 5 ले लो, इधर तो आप फिर 3 बचे, तो ज्यादा हो गया। अगर आप इसको लेंगे तो समझा आपको, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5, क्यों, 5 या 5 से इक्वल, 5 लो या 5 से ज्यादा, 5 इक्वल या 5 से ज्यादा, ग्रेटर साइन आ गया, तो इसके लिए आपको 5 लेंगे। अगर मैं इसे 4, इधर मैं 3 लिया, इधर 5 लिया, क्यों, 5 8 होगा, 8 कॉइन है, तो डिवाइड हुआ 5, 3+4 5 8 हुआ। अब इसमें ये टेल ज्यादा हो गया, और हम लोग क्या चाहिए, लार्जर चाहिए, अपना ये चाहिए, हेड ज्यादा चाहिए, इसके लिए आप 5 लो,
या फिर सिक्स ले लो, तब ये इधर टू बचे यहाँ, सेवन ले वन बचे यहाँ, आपको देखो तो फाइव सिक्स सेवन और एट तो अपना इक्वल हो गया, तो आपको फाइव या फाइव से ज्यादा चाहिए। तो देखो यहाँ पर तो वैल्यू क्या मिले आपको, पी ऑफ एक्स का मतलब क्या है, एक्स वैल्यू फाइव के इक्वल है, फाइव प्लस पाँच से ज्यादा क्या है, छः सात आठ नौ, तो फाइव से ग्रेटर क्या है, सिक्स सेवन एट, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू सिक्स प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू सेवन प्लस पी ऑफ एक्स इक्वल टू एट। ठीक है, अब देखिए सिंपल आपको फॉर्म में क्या है, फॉर्म में क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ठीक है, तो ये पहले क्या है, यहाँ पर लिखो इक्वल टू करके पी पी ऑफ एक्स अपने से मैच हो रहा, पहले एन एन कितना है, एन तो मेरा एट है, एट सी एक्स कितना है फाइव, फाइव लिखो, पी कितना है हाफ है, एक्स कितना है एक्स के लिए एक्स फाइव है, फिर क्यू कितना है हाफ, फिर एट माइनस फाइव मिले यहाँ प्लस। अब देखो आप सेम फॉर्मूला ये सेम बने इसकी तरह, तो एक्स आपका एन कितना है एट है, एक्स कितना है सिक्स है, पी हाफ है यहाँ पर आएगा सिक्स, क्यू एक्स सिक्स है, हाफ रेस टू सिक्स माइनस फिर एट माइनस सिक्स, फिर प्लस इसका भी सिक्स का हुआ अब सेवन का, तो एट सी सेवन हाफ रेस टू सेवन, बिकॉज आपका एक्स कितना है सेवन है, तो सेवन आया एन एट है पी हाफ है, रेस टू में एन एक्स कितना है सेवन है, हाफ रेस टू एट माइनस सेवन, क्यू एन माइनस एक्स है तो एन मेरा एट है एक्स सेवन है प्लस ये एन एट रेस टू एट सी एट हाफ रेस टू एट हाफ रेस टू एट माइनस एट। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करना है तो सिंपल देखिए ये क्या मिला आपको, एट सी फाइव हाफ रेस टू ये फाइव मिला, ये हाफ रेस टू थ्री, फाइव माइनस फाइव एट माइनस फाइव थ्री मिले यहाँ प्लस एट सी सिक्स, एट सी सिक्स हाफ रेस टू सिक्स, एट माइनस सिक्स टू हाफ रेस टू टू। देखिए आपको फाइव प्लस थ्री एट मिला, सिक्स प्लस टू सॉरी आपको ये मिले यहाँ एट माइनस सिक्स टू, दोनों ऐड करो आपको एट मिले यहाँ प्लस, फिर अभी ये बचा एट सी सेवन हाफ रेस टू सेवन, ये आपका सेवन है, एट माइनस सेवन का तो हाफ रेस टू वन बचेगा प्लस एट सी एट, एट सी एट हाफ रेस टू एट, एट में से एट का तो हाफ रेस टू जीरो। ठीक है, तो ये अभी एट सी फाइव हो, ठीक है आपका फॉर्मूला बेस दोनों बेस सेम है, आपको होता है फॉर्मूला ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन ए रेस टू एम प्लस एन होता है, पावर्स को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हाफ रेस टू एट प्लस एट सी सिक्स, सेम हियर सिक्स प्लस टू कितना डायरेक्टली एट लिखो प्लस हियर एट सी सेवन हाफ रेस टू एट, क्यू सेवन प्लस वन एट प्लस एट सी एट हाफ रेस टू एट, जीरो प्लस एट जीरो प्लस एट आपको एट मिलेगा। ठीक है, फिर आपको ये हाफ रेस टू एट हाफ रेस टू एट हाफ रेस टू एट सब कॉमन निकल रहा तो कॉमन निकालो, तो हाफ रेस टू एट बारह क्या बचा एट सी फाइव प्लस एट सी सिक्स प्लस एट सी सेवन प्लस एट सी एट आपको ये मिलेगा। तो देखिए ये आपका एट है, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था एन सी एन इक्वल टू वन होता है, एन सी जीरो इक्वल टू वन, एन सी वन इक्वल टू एन, एन सी एन माइनस वन इक्वल टू एन, ये फॉर्मूला आप इसमें अप्लाई करें। ठीक है, पहले फॉर्मूला देखिए आपको, ये आपको हाफ रेस टू टू रेस टू एट मिलेगा ब्रैकेट में एट सी फाइव, मतलब आपका एक और फॉर्मूला था एन सी आर, तो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये मिले आपको। ठीक है, तो देखिए अब जरा एट है ये पहला लास्ट टाइम सॉल्व किया फिर भी देख रहे हो आप, यहाँ करो जरा आपका एन कितना है, एन में एट है तो एट फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर कितना है, इनको साइड में सॉल्व कर लो
8c5 मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, क्यों n कितना मेरा 8 है, r कितना है 5, तो एप्पल n पे 8 आया, r पे 5 आया, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 5, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल, ये 5 का कैंसिल हुआ, तब 3 2 1 कर दो पीछे जाएगा, तो 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है, तो क्या मैंने आपको 2 1 जा 2 1 जा करो, 8 इंटू 7 बचा 8 7 जा 56, तो डायरी लिखिए आप इधर 56 प्लस, ठीक है अब डायरी लिख दो, अभी 8 सी 6 है, तो 8 आपका एन कितना है 8 है, सी आर कितना है 6 है, ये सेम फॉर्मूला एन सी आर वाला, तो एन कितना है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आर कितना है, आर आपका 6 है, 6 फैक्टोरियल 8 माइनस 6 फैक्टोरियल 8 इंटू यहाँ 6 है तो 6 है 8 7 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 मिनिमम 2 फैक्टोरियल, देखिए यहाँ पर बिगर नंबर 5 था तो मैंने इसको 5 तक लिखे गया कैंसिल, अब यहाँ पर बिगर नंबर 6 है तो 6 तक लेके जाओ ये कैंसिल हो जाएगा, अब 2 को 2 और 1 लिखो 2 1 तो 2 1 जा 2 4 जा 4 7 4 जा 28 प्लस 28 प्लस, अब देखिए 8 सी 7 है, क्या 8 सी 7 आप ये फोन अप्लाई मत करो, क्यों इसके लिए ये देखिए आपका 8 कितना है एन कितना 8 है, ठीक है आपका एन जो है एन आपका 8 है 8 सी 7 ना, मतलब आपका एन ई आर फॉर्मूला आपका एन 8 है, तो 8 माइनस 1 करो तो 8 सी 7 मिलेगा, नहीं रही है एन 8 है तो एन भी 8 है, 8 में से 1 गया तो 7 आएगा बराबर, तो इसमें आप एन लिखने ट्राई किया, अगर आप एन लिखो तो आपको एन मैंने क्या 8 मिलेगा प्लस 8 प्लस 8 सी एन मतलब एन सी एन कितने नंबर सेम सेम है तो 1 आता 1 आएगा मतलब, अब ये आप इसको ये आपको इसको 8 रखो, अब बताइए हाफ है, हाफ को मैं 0.5 लिख सकता हूँ, ठीक है तो लिखो 0.5:8 सबको प्लस करें कितना मिला आपको ये आपको 93 मिलेगा, आप करिए देख लो ठीक है, अब ये हाफ है 0.5 बिकॉज हाफ का मतलब क्या है 0.5, अब 0.5 को क्या है हम लोग 5/10 लिख सकते 8 इंटू में 93, ठीक है सबको प्लस किया 93 आया, अब देखिए ये पहले मैंने हाफ को 0.5 लिखा उसके बाद 0.5 को मैंने 5/10 लिखा, ठीक है अब ये 5 कितना है 5:8 है, तो आपको 5:8 मतलब 5^8 है मतलब 5 करेंगे, आप इसे लॉक से भी कर सकते ठीक है 2, 4, 6, 8 25 मिले यहाँ 25 मिला ये आपको 25 और ये भी आपको 25 2, 4, 6, 8 ये आपको कितना मिलेगा 625 का स्क्वायर है सेम चीज 625 मिलेगा, ठीक है ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई करो आप 625 इंटू 625, ठीक है अब इसे आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ ठीक है ये क्या ट्रिक है वो समझिए आपको ना ये 25 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करते हैं 5 का स्क्वायर क्या है 5 5 25 लिखने यहाँ ये 2 का स्क्वायर क्या था ये आपको 2 ना क्या था 3 तो 3 लिखो 3 टू जा 6 और भाई देखिए आपको 25 का स्क्वायर निकालना है हम लोग इसमें इसी में बता रहे हैं आपको हम लोग 25 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्ट लिखो उसके बाद 2 के बाद क्या था 3 तो 3 टू जा 6 समझा आपको निकालना है 35 का स्क्वायर ठीक है तो 5 5 जा 25 3 के बाद क्या था 4 तो 4 3 जा 12 ये ठीक हम लोग मतलब ये कहाँ पर यूज है इसका जिसके लास्ट में यूनिट प्लेस क्या चाहिए 5 तो आप ये ठीक अप्लाई कर सकते हैं तो फिर ऊपर मल्टीप्लाई मत करो सिंपल क्या करो आप 5 5 जा 25 लिखो अभी 62 है 62 के बाद क्या आता है 63 तो 62 × 63 करो या आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं आपको ये मल्टीप्लाई करना टफ पड़ेगा इतना लंबा टाइम जाएगा बट ईजी है तो 62 × 63 करो इंटू में 62 करो 3 2 जा 6 12 का 12 लिखो 6 18 का 81 6 36 प्लस 37 6 मिलेगा 10 कैरी 1 9 ये 3 तब क्या मिला अब इसको मिला आपको 625 आपको सिंपल तो 3906 आपको समझा हमने क्या किया इसको पहले देखिए इसको आप अच्छे देखिए आपको 625 को 625 से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने आपको ट्रिक ये बताया
ये आपका 625 एक्चुअली ये आपका बन गया क्या, 25 का स्क्वायर ही ना, स्क्वायर नहीं कर रहे। सिंपल ट्रिक क्या है, 625 ओनली 5 5 25 लिखो, 62 के बाद क्या आता है 63, तो 62 इंटू 63 मल्टीप्लाई करो आपको ये आंसर मिला। तो मैंने डायरेक्टली 625 लिखा यहाँ पर, ये बाद में इसको ऐड कर दिया तो आपको इसका आंसर मिल गया। अब लिखो तो 390625 अपॉन यहाँ 93 है, नीचे कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डेसिमल मिला आपको। ठीक है, ये हमने इसको मल्टीप्लाई किया आंसर इसके स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया लिखा फटाक से। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो है, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6, फिर 7 देखिए पहले लिखो 390625 लिखे सेम नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट यहाँ पर आएगा इंटू में 93। अभी तो ऊपर पॉइंट हटे बिकॉज पॉइंट आया ऊपर नंबर हट गया। ठीक है, अब क्या करो आप पॉइंट के बाद ओनली इतना नंबर है तब क्या करो पॉइंट स्टार्टिंग है इतना स्टार्टिंग है पॉइंट आ गया। अब आप क्या स्टार्टिंग कितने नंबर को इतना मल्टीप्लाई करो तो क्या हमने आपको करना है सिंपल पॉइंट नंबर छोड़ दो तो देखिए आपको 0.003906 को इससे मल्टीप्लाई बाय 93 करो क्योंकि आपको पॉइंट पर पॉइंट नहीं है आपको सिर्फ तीन नंबर तीन या चार नंबर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या आंसर मिलेगा सर साइड में करता हूँ मैं 0.003906 इंटू में 93 63 18 का 8 कैरी 1 3 2 0 0 1 9 27 प्लस 27 का 7 कैरी 2 3 3 9 प्लस 2 11 कैरी 1 ये 1 मिला आपको 9 6 54 कैरी 5 आपको 5 मिलेगा 9 9 81 1 कैरी 8 9 3 27 प्लस 8 27 प्लस 8 35 का 5 कैरी 3 9 0 0 प्लस 3 आपको 3 मिला। ठीक है, अभी 8 आया 5 ये 7 5 12 का 2 हासिल 1 ये मिला 3 ये मिला 6 ये आपको आ गया 3। ठीक है, अब आपको पॉइंट क्या है 1 2 3 4 5 6 तो 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या पॉइंट मिला 0.3। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला मल्टीप्लाई करने पे 0.363258 ये आपको आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, ये आपको क्या मिला पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो ये आपने हमने बिना लॉग टेबल पर आंसर निकाले बिना लॉग टेबल। ठीक है, आप भी कर सकते आपके उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप बिना लॉग टेबल बिना कैलसी के आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट सम करेंगे। नेक्स्ट सम क्या आपका एटलीस्ट वंस क्या थर्ड पार्ट क्या आपका एटलीस्ट वंस। अब इसका मतलब देखिए आपको तो मैं क्या एटलीस्ट होना पी ऑफ एक्स है वो वन इंच कितना वन इंच ओनली। अब अभी पूछा आपको एटलीस्ट एटलीस्ट सबको एक्स लिख के ये करना है और अगर एटमोस्ट तो आपको ऐसा करना है आपको देखिए एक्स में कोई भी नंबर है एटलीस्ट ऑफ एक्स एटलीस्ट ऑफ एक्स एटमोस्ट एटमोस्ट में आपको लेस देन एक ग्रेटर साइड रखना है आपको ये साइड और एटमोस्ट में ऐसा करना है आपको। तो अभी एटलीस्ट था तो ये किए अब इसका मतलब एटलीस्ट वन की वन एस में वंस आए उनकी वंस मतलब वन आया। अब क्या दिया जो x की वैल्यू 1 से इक्वल और 1 से बड़ी वैल्यू है अब जो 1 के इक्वल बनाएगा 1 से बड़ी क्या है 2 है 3 है 4 है मतलब पूरा 8 तक का जाना पड़ेगा। तो अभी देखिए हमने अभी कहा था सॉल्व किया ओनली हमने अभी सॉल्व किया हमने सॉल्व किया अभी ओनली 5 से लेके 5 6 7 8 का सॉल्व किया तो इतना लंबा आया। तो अब सोचिए आप अगर आप करेंगे इतना लेके लंबा उतना कितना लंबा आएगा आप लेंगे x लेके 1 तक तो सिंपल क्या करो आप एक फॉर्मूला है पी ऑफ
एक्स, इसको उल्टा कर दो, मतलब जो इसका क्या ग्रेटर देन था ये लेस देन हो गया। अब देख सिंपल, अभी क्या है जो एक्स की वैल्यू क्या है, वन से छोटी, वन से छोटी है, ठीक है, वन से छोटी है वाली हम लेंगे आपको, वन से छोटी आपको ले वन लिखो, ये आपको फॉर्म में वन माइनस, आपके सॉरी फॉर्म में पी ऑफ एक्स ये था, आपका फॉर्म में क्या है वन माइनस पी ऑफ एक्स, ये आपका फॉर्मूला है। कभी अब मैं क्यों अप्लाई कर, बिकॉज आपका एटलीस्ट वन है, मतलब वन से ज़्यादा वैल्यू क्या मिलेगी, वन के इक्वल वन है, वन से ज़्यादा, वन से लेके एट तक जाना पड़ेगा तो बहुत लंबा जाएगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है एटलीस्ट वन माइनस, आपको ये साइन उल्टा कर दो, तो क्या अभी एक्स की वैल्यू वन से कम, तो क्या मिलेगा वन से कम, वन माइनस पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, क्यों वन से कम क्या है जीरो है, तो लिखो अभी आपका फॉर्मूला क्या है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एन सी एक्स पी ऑफ एक्स क्यू एन माइनस एक्स है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें वन माइनस ये फार्मूला, ये एन आपका एन कितना एट है, सी कितना है एक्स आपका जीरो है, फिर से क्या फार्मूला पी आपका हाफ है जीरो हाफ रेस टू एट माइनस जीरो, ठीक है, तो क्या मिलेगा वन माइनस एट सी जीरो हाफ रेस टू एट, ये आपको जीरो कुछ वन होगा, एन एच रेस टू जीरो वन होता है, किसी भी नंबर पावर में जीरो आपको मिलता है, एट माइनस जीरो एट मिला। अब देखिए वन माइनस एट सी जीरो एन सी जीरो क्या है वन होता है, एन सी जीरो आपका वन है, ठीक है, तो वन मिला इंटू वन अपॉन टू रेस टू एट मिला। अब इसमें हम लास्ट में हम पीछे सॉल्व किया था, तो आपको क्या मिला टू रेस टू एट को, टू रेस टू एट मतलब टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू दो चार छ, देखिए टू का पैर बनाया फोर आया, टू का पैर टू का पैर टू का पैर, आपको मिलेगा सिक्सटीन, ये मिला सिक्सटीन, सिक्सटीन का स्क्वायर क्या था टू फिफ्टी सिक्स, तो वन वन माइनस वन अपॉन टू फिफ्टी सिक्स, ठीक है, इतना आपको मिला, आपको इतना मिला टू फिफ्टी। अब क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टू फिफ्टी सिक्स माइनस वन अपॉन टू फिफ्टी सिक्स, ठीक है। अब देखिए आपको टू फिफ्टी सिक्स मान के टू फिफ्टी फाइव पॉइंट टू फिफ्टी सिक्स मिलेगा। अब इसको डिवाइड दे, दोनों में डिफरेंस ओनली वन का, इधर फिफ्टी सिक्स यहाँ पर फिफ्टी वन है, फिफ्टी फाइव है, डिफरेंस कितना ओनली वन का, तो क्या करो सिंपल कट करके जीरो पॉइंट नाइन नाइन एट कर दो, क्यों अगर आपका फाइव पॉइंट फाइव होता हम लोग नाइन वन कैंसिल कर दे, बट तो ऊपर क्या है ओनली एक का वैल्यू कमी ना, तो आपको डिवाइड कर आपको आंसर आएगा, ठीक है, अब डिवाइड कर आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो आपको सिंपल एक बाइनोमियल एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपको दो चीज़ में आपको जो आंसर ना पॉइंट में आएगा, किस में आपका आंसर पॉइंट जीरो के बाद ही आता, कुछ भी आपको पॉइंट जीरो के बाद आता, किस में बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी में, तो आपको कुछ भी आंसर आता है आप कुछ बुक में भी चेक कर लो, तो आपका आंसर जीरो पॉइंट के बाद आया, क्यों मेरा रूल क्या है आंसर आपका जीरो वन और जीरो, जीरो और वन के बीच में चाहिए, जीरो और वन के बीच में आपका वन से जीरो से कम नहीं वन से ज़्यादा नहीं, किसका आंसर ये आपका बाइनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये दो चैप्टर आंसर आपको वन जीरो और वन के बीच में आएगा। अगर आपका आंसर जीरो से वन कम आ गया मतलब नेगेटिव आ गया तो आपका आंसर रॉन्ग है, अगर आपका आंसर वन से ज़्यादा आ गया तो अभी आपका आंसर, आप देखिए ये पॉइंट नाइन एट है जीरो वन के बीच में आएगा। पीछे देखिए आपको क्या मिला था, इसी पीछे आपको मिला था पॉइंट थ्री थ्री पॉइंट थ्री सिक्स मिला था, ये भी पॉइंट जीरो वन के बीच में, आपका जो आंसर आप चेक करते हैं आंसर आपको जो भी आंसर निकाले हमने अभी देखा आप चेक करो, आपको सबको आंसर जीरो वन के बीच में मिला, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पॉइंट पॉइंट टू वन एट मिला, ये भी जीरो वन के बीच में, तो अगर आपको आंसर वन से ज़्यादा और जीरो से कम आया मतलब आपका आंसर आऊँगा, आप क्रॉस चेक करना, ठीक है। तो आगे हम बात में करेंगे, थैंक यू सो मच।